ये देखो दोस्तों, इसका पैकिंग देखो खाली है। लकड़ा का है इसका पैकिंग। ओ यारो, अगर बोतल इतनी बढ़िया है तो सोचो अंदर की चीज कितनी बढ़िया होगी। सही बात है। इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखी होता है क्या। अभी इसको ऐसे निकालने का, और ये देखो बोतल। जेठालाल, 21 साल पुरानी 11,000 की बोतल एक बार हाथ में लेके देख ले तो दो भाई। हाँ देख देख देख। ओ पिड़ू, आराम से। हाँ, संभाल के देख रहा हूँ। बोले हाथ है जरा। 21 years, वाह। आज मारा मैर कभी बता रहा है। देखो मैं दादा। हाँ, कहते ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, इस बोतल को देख के हम नाच रहे हैं। देखो शुरू कर दो, पार्टी शुरू कर दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बेटा, तो ये 11,000 की बोतल मुझे भी एक बार देखनी है भाई, मेरे हाथ में दे। अरे वाह वाह वाह। ओ पोपटलाल, अरे ती बाटली बाबा बायको ना, बॉल डान्स काय करतोय? तो है पिडू, ये इसका नहीं है कसूर, ये तो है बोतल का सुरूर। ओ बोतल हाथ में आते ही झूमने लगा है अपना पोपू। अरे भाई सोड़ी, बोतल चीज ही ऐसी है, अच्छा अच्छा झूमने लगते हैं। अच्छा पोपटलाल, क्या कर रहे हो? पोपटलाल क्या कर रहा हूँ? अरे बोतल गिर के टूट जाती तो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बायकोनी बाटली मध्ये फरक असतो बाबा, मुश्किल से परमिशन मिली एक तो। चलो अभी भाई, बोतल टूटी नहीं है ना, पार्टी शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। ये नशा तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जरा माहौल बन जाए। क्या है कि जब माहौल बनेगा तो उसके बाद नशे का मजा कुछ और आएगा, तो एक नशा और करते। कौन सा? अल्फाज का नशा। मतलब शब्द का नशा। समझा नहीं? समझाता हूं। क्या है कि जब नशा करने की बारी आए, उसके पहले कुछ कहा जाए तो नशा और बढ़ जाता है, है ना? और कहा यूं है कि उमंगे जब उमगती है तो पार्टी तो बनती है। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया मेहता साहब, एक और हो जाए। हाँ क्यों नहीं, भावनाओं की नदी जब उठती है पार्टी तब बनती है। और रोशन हमेशा मेनू लिमिट में रहने को कहती है, आज तो पार्टी बनती है। क्या बात है, आज पीते वक्त ना कोई गिनती है, क्योंकि आज तो पार्टी बनती है। दोस्तों से महफिल सजती है, आज तो पार्टी बनती है। दोस्तों को देख ये आंखें हंसती है, आज तो पार्टी बनती है। अरे हमको देखकर दुनिया जलती है, आज तो पार्टी बनती है। हम सबको मिलके आज तो करनी मस्ती है, आज तो पार्टी बनती 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 है। बन गया यारो, माहौल बन गया, अब पार्टी शुरू करें। सॉरी सॉरी, एक मिनट, पार्टी शुरू करने से पहले तू अपने ढाबे वाले फ्रेंड से खाना तो ऑर्डर कर ले। हाँ। ओ हाथी ब्रा, ओ अभी रोटी मंगा लेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। ये भी ठीक है। अरे लेकिन अगर बाद में नहीं मिला तो? हाँ। ओ पिड़ू, ओ तू खाने की टेंशन डाल है, ओ ढाबे वाला मेरा यार है, जब बोलेंगे तब खाना भेज देगा, तू इंजॉय कर यार। ओ जी लाओ लाओ जेठा भरा, बोतल लाओ, मैं पैक बनाता हूँ। नहीं 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 जेठा, नहीं नहीं सोड़ी भाई, तू रहने दे।
तो अपने लिए पटियाला पैक बनाएगा और हम सबको कम पड़ जाएगी। सही बात है। एक काम करो, भिड़े के हाथ में दो बोतल और भिड़े सब में बराबर बांट देगा। ए नको ना मारने जमनर, अरकाने जमनर, कितना आसान काम है। तुम तो एक्सपर्ट हो, इसमें बढ़िया बना दो क्या, अच्छे छोटे छोटे पैक, जैसे तुम 100 ग्राम के अचार के पैकेट बनाते हो बस वैसे बना दो। मेहता साहब उसमें क्या है, मैं वजन काटे में वो नापता हूँ ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें वो ग्लास भरते हो किसी को ज्यादा किसी को कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अरे ये करने में भला तुम्हारा क्या जाता है, अरे नशा तो आंखों से नापा जाता है। अरे मास्टर अब कितना टाइम लगाओगे, चलो चलो सबके पैक बनाओ। नहीं नहीं आती भाई मना नहीं जमना प्लीज। अरे भाई भीड़े है, तू बहुत चिकन हो भाई, छोड़ा मैं ही पैक बना देता हूँ। हाँ भाई दो मिनट रुक। ये बोतल खोलने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। टुडे सबलिरेशन बिग ऑर्डर माय। तो टुडे एंजॉय Enjoy. हाँ। बहुत बढ़िया। क्या बात है जेठल? अभी तो ये अंदर भी नहीं गई और इंग्लिश बार आने लगी है। इंग्लिश निकला? हाथ में इंग्लिश है ना तो इंग्लिश। हाँ बराबर है, करेक्ट है। अब वो इंग्लिश इसमें जरा डालो। ला 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 भाई ला। अरे अरे ढक्कन तो खोलो। अरे सॉरी 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 सॉरी। फुटले खाया पिया कुछ नहीं, बोतल तोड़ी 11,000। पर जेठालाल ऐसे तुम स्प्रिंग की तरह अचानक उछले क्यों? चूहा अचानक मेरे पैर पे से चूहा गुजरा। चूहा चूहा चूहा। अरे मेरे घर पर चूहा हो ही नहीं सकता। जेठालाल तुम एक छोटे चूहे से डर गया। अरे अय्यर भाई चूहा छोटा हो या बड़ा हो अचानक ऐसे पैर पे तो कोई भी चौंक जाएगा ना। नहीं पर तुम तो बोलता ना कि तुम कच्ची माड़ू हो, किसी से डरता नहीं हो। अरे आपको सुनने में कोई तकलीफ है क्या? मैंने क्या बोला, मैं चौंक गया, डरा नहीं, चौंक गया। हाँ पर चौकने से कोई ऐसा बोतल थोड़ी फेंकता है। अरे बोतल फेंकी नहीं भाई, हाथ से छटक गई। कुछ भी हो जेठालाल गलती तुम्हारा है। गलती मेरी नहीं है यार भाई, गलती पोपटलाल की है। मेरी? अरे मेरी क्या गलती है? तुम्हारी बेदरकारी की वजह से तो यहाँ चूहे घूम रहे। बेदरकारी? अरे अय्यर आते 11,000 रुपए लोलटा है तिकड़े, तुम्हारी श्रद्धांजलि पड़ ली है। नंतर सांगतो बाद में बोलता हूँ। लेकिन जेठा तुम बराबर बोल रहे हो, ये गलती पोपटलाल की है। गलती मेरी नहीं, गलती तेरी है।
मेरी गलती। सोसाइटी में टाइम टू टाइम पेस कंट्रोल क्यों नहीं करवाता? हाँ बोल। अरे भूल गए पोपटलाल, दो महीने पहले जब तुम्हें लड़की देखने आई थी तभी पेस कंट्रोल करवाया था ना। तो फिर मेरे घर में चूहा कहाँ से आया? अरे मुझे क्या पूछ रहे हो, चूहे का पूछा? हो सकता है पोपटलाल तुमसे खिड़की खुली रह गई हो और चूहा घर के अंदर आ गया हो। ओए बेड़ा घर को उस चूहे का, वो इतनी मुश्किल से पार्टी शादी का प्रोग्राम बनाया था, वो मिट्टी पलीत कर देती, वो मूड खराब कर देता और मेरा ग्लास टूट गया। पोपटलाल तुम्हें शर्म आती है? तुम ग्लास तोड़ने की चिंता कर रहे हो। अरे ग्लास टूट गया ठीक, लेकिन उस ग्लास में डाल के जो पीने वाले थे वो बह गया, वो देखो ना भाई। ठीक है मेहता साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रशांत भाई को बोल के एक और बोतल मंगा लेता हूँ। अरे वाह, अभी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, तो जल्दी से फोन कीजिए। मेरा फोन कहाँ गया? अच्छा मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, मैं प्रशांत भाई को फोन लगाता हूँ, तब तक आप लोग ये जरा साफ कर दो ना। ये तो मैं साफ कर दो मतलब, जय डराल बहुत डर, तुमने तोड़ा तो तुम भी हमारे साथ में साफ करो। ओए ठंड रख यार प्रा, जेठा प्रा को बोतल मंगवा रहे थे, हम सब मिलके साफ सफाई कर देंगे। अरे सिर्फ हम लोग क्यों, अरे जय डराल की गलती है तो जय डराल भी साफ करेगा ना हमारे साथ। बराबर है जेठालाल, पहले घर की सफाई कर लेते बाद में बोतल मंगवाएंगे। ठीक चलो चलो। भाई बीड़े देख, ऐसा मत बोलना कि तू अकेला कर रहा है, हम सब भी साथ दे रहे हैं तुझे। सब मिलके कर रहे हैं भाई, सब यथाशक्ति। जो ये कौन सा मतलब तरीका है हाथ लगाने का, ऐसे खुद से लेके करो ना। हाँ तो यार भाई चल आओ। क्या कर रहे हैं यार, छोड़ो हो जाता है ना ऐसा, क्या है, छोड़ो छोड़ो। ऊपर लाल देख बेटा ये बराबर है। हाँ ये सही है, करेक्ट है। इसका क्या करना है? ये क्या है, आटे का गोला है तो उसको जमीन पर से चिपकाने का, तो जितने बारीक बारीक कांच के टुकड़े हम लोग को नजर नहीं आते ना, वो उस पर चिपक जाएंगे और पूरा घर साफ हो जाएगा। छोटे आइडिया है। हाँ ले लो चलो हाथी भाई, बाद में आटा फेंक देने का, फेंक ही देने का ना पोपटलाल। नहीं नहीं उसमें से कांच निकाल के रोटी बना के खा लेना। ले पोपू हो गई तेरी घर की सफाई? अभी बराबर है। और जेठापरा फोन लगाओ, बोतल मंगाओ यार। एक मिनट भाई, फोन करो यार भाई। हाँ करो करो। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का, लगाओ लगाओ। बोलो जेठा भाई। हाँ प्रशांत भाई, एक और बोतल अभी कभी जरा भेज देते हो प्लीज। जेठा भाई अब तो दुकान बंद हो चुकी है, सारा स्टाफ भी जा चुका है, इनफैक्ट मैं भी अपने घर आ चुका हूँ, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा क्यों है जेठा भाई? तो प्रशांत भाई बोल रहे कि वो अभी घर पहुंच गया और आदमी लोग भी दुकान बंद करके घर चले गए। तुसी लोड ना लो, मैं बंदोबस्त करता हूँ। ओके प्रशांत भाई कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके चलो, थैंक यू। ओ सोटी यारा, कैसा है मेरे जिगरी? ओए बल्ली, ओ तेरे लाले कम सी। हाँ बोलना यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। नहीं नहीं जान नहीं चाहिए, बोतल चाहिए बोतल। ओ यारा मैं तो तेरी परजाई के साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ यार, घर पे भी कोई नहीं है। हाँ तो घर की चाबी होगी ना अड़ोस पड़ोस में? ओ नहीं यार, चाबी तो आस पड़ोस में कहीं नहीं रखी, वो तो मैं साथ लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है, फोन रखता हूँ। ओके सोटी प्राजी। कहाँ जाना? बल्ली घर पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है।
मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई नहीं है। और किसी के ध्यान में कोई है भाई जो दे सके? पिडू, तेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी नहीं पूछ सकते, सॉरी। एक मिनट, मेरे ध्यान में एक है, मैं ट्राई करता हूं। हेलो हेलो रावण ना, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए पोपट भाई। वो एक बोतल की जरूरत पड़ गई है, थोड़ा अर्जेंट है, वो गोकुलधाम सोसाइटी में भिजवा सकते हो? पोपट भाई आपको तो पता है ना, मेरा रेस्टोरेंट का लाइसेंस है, मैं बाहर भिजवा नहीं सकता हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी पोपट भाई। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। वो क्यों हो गया पप्पू? वो क्या है ना, उनके पास रेस्टोरेंट का लाइसेंस है तो ऐसे घर पर डिलीवरी नहीं कर सकते। ओ पप्पू, उसको कह देता ना, एक्स्ट्रा पैसे दे देते। अरे नहीं 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 सॉरी भाई, अरे मैं पत्रकार हूँ, मैं उनको गलत काम करने के लिए नहीं बोल सकता। अरे अब ये पार्टी शार्टी छोड़ो, खाना मंगाओ, बहुत भूख लगी है। डॉक्टर हाथी, अगर पार्टी शार्टी नहीं करनी और खाना ही खाना है तो फिर अकेले खाना खाने का क्या मजा आएगा? फिर महिला मंडल की इच्छा पूरी करते हैं, उन्हीं के साथ जाके खाना भी खा लेते हैं। हाँ ये भी सही बात है। बड़े शौक से निकले थे परमिशन लेके पार्टी शार्टी करने, अब क्या मुंह लेके जाएंगे महिला मंडल के सामने? हमारा तो ना कट गया। क्या हुआ आते भाई? नहीं, वो गोकुलधाम की महिलाएं हम पर ऐसे ही हंसेगी। सॉरी यारो, सॉरी सॉरी हाथी भाई, सॉरी। तेरे पर क्यों बैठ गए अचानक ऐसे? वो दरअसल ये पार्टी शार्टी का प्लान कैंसिल हो गया ना, इसलिए मेरा मेरा दिल पंचर हो गया। वो मेरा मन तो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, वो मेरा मन तो कह रहा है कि हमें पार्टी शार्टी करनी चाहिए। वो यारो समझो, ऐसा रंगीन मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए हमें। अरे तेरा मन क्या छोटी, हम सभी का मन ये कह रहा है कि पार्टी शार्टी करनी चाहिए, लेकिन क्या करें अभी? ये चूहे ने पूरा मूड बिगाड़ दिया, पार्टी शार्टी का सत्यानाश कर दिया। और चूहे को भी ऊपर लाके घर पे ही आना था। और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा कंपाउंड है, गार्डन है, वो सब छोड़ के दो माला ऊपर चढ़ के आया, बोलो। ओ बस करो यारो, ओ चूहे दिया गल्ला छोड़ो, हमने पार्टी शार्टी का प्लान बनाया था ना, तो हम पार्टी शार्टी करके रहेंगे। अरे सोड़ी, रुक। बराबर है बापूजी, चलिए बापूजी अब सो जाते हैं। अरे बैठ भाई बैठ, क्या सो जाते हैं? अरे आज इतना बढ़िया खाना खाया है तो उसे थोड़ा हजम तो होने दे। अरे सोड़ी, अरे सोड़ी रुक तो सही। अरे आओ आओ, मतलब क्या? अरे रुक तो सही भाई, कहाँ जाना ये तो बता। मैं तो साफ तेरे बोलिए, बापू जी ने सुन लिया तो बाहर आ जाएंगे। पर सोड़ी तुम्हें पार्टी शार्टी करने जाना कहाँ है? कोई पार्टी शार्टी करने के लिए बाहर जाना है। ओ यारो गल्लू समझो, ऐसे परमिशन बार बार नहीं मिलती है, ये परमिशन बेकार नहीं जानी चाहिए। चलो चलो दोस्तों, हमें पार्टी शार्टी का वीजा मिल गया लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, बोतल फूट गई है, इसे कहते हैं नसीब की मार, अब क्या किया जाए साहब। लेकिन सोड़ी की बात बिल्कुल सोलान है, सच है कि पार्टी शार्टी का ये जो मौका मिला है दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी पत्नियों ने हमें परमिशन दे दी है, ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते। चाचा जी का भी खतरा नहीं है, महिलाएं अपनी पार्टी कर रही है तो क्या किया जाए। हम पार्टी जरूर करेंगे, एक चांस तो जरूर लेंगे, लेकिन हम गोकुलधाम निवासियों की किस्मत आप जानते हैं, बिल्कुल उस गेंद की तरह जो कभी इधर कभी उधर, कभी लगता है पार्टी जरूर हो जाएगी, कभी लगता है नहीं 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 हो पाएगी, चांस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम चांस जरूर लेंगे, ये मौका गंवाएंगे नहीं, क्योंकि जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। तो पार्टी के लिए एक और दाव खेला जाएगा, लेकिन ये दाव आपके लिए हंसी का दाव होगा। कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पार्टी तो करेंगे, लेकिन क्या होगा इस पार्टी करने में
ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। भाई मत 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 कर भाई, पैसे देगा पैसे रे बिल्ली मास्टर, क्या हो रहा था ये सब बोल। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।